120 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। आदरणीय महोदय, मैं जिस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ वहाँ एक नवीन अस्पताल बनकर तैयार है, लेकिन अमला नहीं है। अमले के अभाव में बीमार जनता बहुत परेशान होती है। कई व्यक्ति इलाज के अभाव में बीमारी के शिकार हो रहे हैं। अभी तक चिकित्सालय में अमले की पद स्थापना नहीं की गई है। वास्तविक रूप से वर्तमान में अस्पताल का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। वहां डॉक्टर, ड्रेसर और अन्य अमला तत्काल नियुक्त किया जाए। श्रीमान जी, हमारे विधानसभा के अंतर्गत 30 किलोमीटर नवीन मार्ग मुख्यालय की मुख्य सड़क बनवाने, उनकी मरम्मत करने संबंधी कई बार कार्यपालन यंत्री, माननीय मंत्री, प्रमुख अभियंता, सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्राक्कलन के साथ प्रस्ताव दिए गए तथा पत्राचार भी किया जाता रहा है और अभी भी किया जा रहा है, परंतु प्रस्ताव का अनुमोदन अप्राप्त है। सुनने में आ रहा है कि बजट के अभाव में यहाँ की सड़कें नहीं बन पा रही हैं और ना ही उनकी मरम्मत कर पा रहे हैं। यहाँ का रास्ता अभी भी बहुत ही खराब है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से उसका कोई नामो निशान नहीं रह गया है। अच्छी सड़क ना होने के कारण राहगीर एवं रहवासियों को आने जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कोई ना कोई दुर्घटना अक्सर होती रहती है। विभागीय लापरवाही, उदासीनता के कारण ग्रामवासियों में विभाग के प्रति भारी असंतोष है। कृपया मंत्री महोदय ध्यान देने का कष्ट करें। सभापति जी, मेरा निवेदन है कि प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव अनुमोदित किया जाए, अच्छी सड़क बनाई जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता जो मेरे परम मित्र हैं, उनके ज़िले में नील और वन गाय का भारी प्रकोप है। वे एक दिन में कई हेक्टेयर फसलें चौपट कर जाती हैं। मुआवजा देने के लिए नियमों में प्रावधान किया जाए ताकि किसानों को हुई हानि के एवज में मुआवजा मिल सके। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 से 3 हज़ार वन गाय घूम रही हैं, प्रतिदिन किसी न किसी किसान की बहुमूल्य फसल चौपट कर रही हैं। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस समस्या के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए किसानों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। किसानों के फसल की हो रही हानि पर मुआवजा नहीं मिलने से उनको संकट का सामना करना पड़ रहा है।